आंदोलन कर रहे हैं, मैं इस देश की जनता को बताना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज मेरे खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, ये ध्यान से देखें टीवी पर कि किस तरह वो मेरी फोटो जला रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं मेरे पोस्टर्स के साथ, फिल्म के शोज रुकवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखें कि ये क्या हो रहा है। यही वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहती हैं हम देश को आगे ले जाएंगे, यही वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कहती हैं कि हम गरीबों के लिए काम करेंगे। ये आप काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, जब उनके घर जा रहे हैं और एक इंसान जब उनके लिए आवाज उठा रहा है आप उसको उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका आंदोलन करने का तरीका है, हिंसा पे आप उतर आते हैं। तो मैं गुजरात के लोगों से, अच्छा उन्होंने ये भी कहा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कि मुझे गुजरात के लोगों से प्यार नहीं है, मुझे गुजरात के लोगों से सिर्फ प्यार है। मेरी फिल्म लगान गुजरात में बनी है, कच्छ में मैंने 6 महीने से ज्यादा शूटिंग की है और वहां मैं रहा हूं और वहां के लोगों से मैं वाकिफ हूं और उनके प्रॉब्लम से मैं वाकिफ हूं। वहां कितना कम पानी आता है मैं पूरी तरह से जानता हूं और मैं चाहता हूं कि गुजरात के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, मध्य प्रदेश के और महाराष्ट्र के लोगों को सबसे ज्यादा पानी मिले, सबको मैं चाहता हूं कि सबको पानी मिले। इससे कोई मैं अलग बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये उसके साथ साथ कह रहा हूं जो नहीं हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों के घर जाते हैं, जमीन जाते हैं इसमें, उनको अलग से एक जमीन और घर मिलना चाहिए। उन गरीबों को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम जब दो वक्त की रोटी खाते हैं तो हमें याद करना चाहिए उस किसान को जिसकी वजह से हम ये रोटी खा रहे हैं। लेकिन आमिर ऐसे कितने इशू हैं जो देश में चला करते हैं, लेकिन आमिर अचानक इस इशू में कैसे इन्वॉल्व हो गए? इसका जवाब मुझे खुद ठीक से नहीं पता है। पिछले हफ्ते मैं दिल्ली में था, मैंने ये मुद्दा रोड पे देखा, ये प्रोटेस्ट चल रहा है और एक और प्रोटेस्ट चल रहा था जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो लोग जो अफेक्ट हुए हैं उनको अभी तक ठीक से कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है। 21-22 साल से लोग झगड़ा कर रहे हैं उस चीज के लिए, अपना हक मांगने के लिए। गरीब लोग हैं और सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, इनकी भलाई करनी चाहिए। कितना पैसे बनाए जाते हैं इन बड़े बड़े लोगों की जेब में, कितने पैसे जाते हैं? मेरा पाटकर करीब 18 दिन से अनशन पे है, मोदी साहब भी बैठ गए अनशन के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई किसकी तरफ ज्यादा जारी है, कौन जीतेगा, क्या आपको क्या मानना है? ये देखिए, ये तो हिंदुस्तान की जनता फैसला करेगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जी जो 18 दिन हो गए उसको, वो इसलिए बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है